النساء إلى العليا بما فيها ويبني ما. तो हेलो एवरीवन जी, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ख़तरनाक देश के बारे में बताने वाला हूँ। आपकी नज़र में वो ख़तरनाक देश है, लेकिन जब इस देश के बारे में आपको बताऊंगा तो ये देश एकदम आपको हलवा लगेगा। तो इस देश का नाम है अफ़गानिस्तान, जिस पे इस समय तालिबानियों का कब्जा है। मैं बता दूँ कि ये देश का नाम सुन के ही किसी किसी की रूह कांप जाती है, लेकिन ये देश वैसा नहीं है। आपकी सोच से हटके एकदम बिल्कुल अलग सा देश है, एकदम बहुत ही यूनिक देश है। यहाँ के लोग बहुत ही यूनिक हैं और इनकी मेहमान नवाजी के बारे में आप तो पूछो ही मत। इतना तगड़ा मेहमान नवाजी करते हैं, वैसी मेहमान नवाजी नहीं कि मारेंगे काटेंगे, वैसा नहीं, बहुत ही यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में चालू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस देश के बारे में कुछ बातें। तो मैं बता दूं कि यहाँ के लोगों को अफ़गान बोला जाता है एंड यहाँ के मुद्रा को, अफ़गानिस्तान के जो मुद्रा है उसको अफ़गानी बोला जाता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अफ़गान अफ़गानी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ के लोगों को अफ़गान बोला जाता है एंड यहाँ के मुद्रा को अफ़गानी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सेकंड बात इस देश के बारे में मैं बताता हूँ। आप सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े शहर का क्या नाम है? तो मैं बता दूँ कि अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम है काबुल, जो कि खुद अफ़गानिस्तान की राजधानी है। मैं आपको बता दूँ कि जो अफ़गानिस्तान देश है, इसकी आय, इन मतलब अफ़गानिस्तानी व्यक्तियों की आय बहुत कम है। यहाँ पे मूल ज़्यादातर खेती से किसी का घर चलता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अफ़गानिस्तान देश जो है प्राकृतिक गैस एंड तेल में समृद्ध देश है। यहाँ पे वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा निकाली जाती है ज़मीन से। आप लोग ये मत सोचिएगा कि तालिबानियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया तो ये एक मतलब पिछड़ा सा देश है या कुछ भी। यहाँ पे मोबाइल का जो कवरेज है वो पूरे अफ़गानिस्तान के 90% एरिया में है और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। मैं आपको बता दूँ कि अफ़गानिस्तान में राष्ट्रीय अवकाश 19 अगस्त को होता है। मैं बता दूँ कि जो अफ़गानिस्तान का साक्षरता दर है वो 28.1% है। आप सभी को तो वैसे अफ़गानिस्तान के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। अफ़गानिस्तान को मैं बता दूं कि अफ़गानिस्तान में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ के पहाड़ कहीं ना कहीं आके हमारे हिमालय पर्वत से मिले हुए हैं। तो मैं बता दूं कि जो अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची जगह है वो है नोसाक, उसका नाम है सबसे ऊंची जगह का नोसाक। बुजकसी है यहाँ का राष्ट्रीय खेल, जिसमें दो टीमों के आदमी घोड़े पे सवार होके एक बकरे को पकड़ते हैं। ये खेल अफ़ग़ानिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि क्रिकेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है अफ़ग़ानिस्तान में, लेकिन ये जो बुजकसी खेल है यहाँ का, मतलब मैं आपको बता दूँ तो राष्ट्रीय खेल है। इसमें दो टीमों के व्यक्ति घुड़सवार होके एक बकरे को पकड़ते हैं और आप जितना सोच रहे हो ये खेल उतना आसान नहीं है, ये खेल बहुत ही हार्ड है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अफ़ग़ानिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या है, कौन सी है? अफ़ग़ानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंड। और मैं बता दूं कि अफ़ग़ानिस्तान के जो आसन हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये है तालिबानों बच्चों की तस्वीर हाथ में राइफल पकड़े हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको उनकी मेहमान नवाजी देखनी है अफ़गानियों की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नोमैड शुभम के वीडियो की एंड द इंडो ट्रेकर के वीडियो की। तब तक के लिए धन्यवाद।